कटक में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जहां साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पूरी बस ही पलट गई। बस में सवार एक यात्री की मौत की भी जानकारी है। दरअसल जो बस हादसे का शिकार हुई वो प्राइवेट बस थी, जिसमें 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक ये बस भुवनेश्वर से बालासोर जा रही थी, लेकिन कटक पहुंचते ही दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। आसपास लोगों की भीड़ जमा है, लोग बस को ट्रोली से बांधकर साइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक बस औंधे मुंह सड़क पर किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरह गिर जाती है। बस के गिरने के बाद आसपास के लोगों में चीख पुकार मच जाती है, लेकिन एक बार फिर से सभी लोग मिलकर बस को सीधा खड़ा करके वहां से निकालते हैं। दरअसल ये तस्वीरें उड़ीसा के कटक से सामने आई हैं, जहां यात्रियों को बालासोर लेकर जा रही एक प्राइवेट बस सड़क पर पलटी तो आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन जैसे ही दुर्घटनाग्रस्त हुई बस को सड़क से हटाना शुरू किया गया तो वो एक बार फिर से पलट गई। जानकारी के मुताबिक 40 यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस भुवनेश्वर से बालासोर जा रही थी, लेकिन कटक पहुंचते ही बस के ड्राइवर ने एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस का कंट्रोल खो दिया और तेज रफ्तार बस पोल से टकराकर सड़क पर ही औंधे मुंह पलट गई। इस भयंकर सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं।